हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करें पढ़ाई। तो सबसे पहले जानते हैं किस क्लास को पढ़ना है ना। पढ़ना है क्लास ट्वेल्थ की रेगुलर बैच को, यानी कि फर्स्ट चैप्टर के टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। उसके पहले मैं आपसे दो चार बातें बता दूं। कल की क्लास में जब हम लोग ने गुलाम का नियम पढ़ा, उसमें दो तीन बिंदु आए थे जो थोड़ा सा कुछ बच्चों को उसको लेकर दिक्कत होती है। जैसे गुलाम के नियम में एक शब्द है स्थिर बिंदु आवेश, ठीक है ना। तो गुलाम के नियम के लिए आवेश स्थिर होने चाहिए, मोशन में नहीं होने चाहिए, क्योंकि स्थिर आवेश जो होते हैं वो विद्युतीय गुण रखते हैं, वैद्युत बल लगता है स्थिर आवेशों के बीच। स्थिर आवेश केवल और सिर्फ केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, इसलिए स्थिर आवेश की बात की गई है। बिंदु आवेश का मतलब होता है कि जब संपूर्ण आवेश एक बिंदु पर स्थित हो, ठीक है ना। कभी कभी आवेश पूरी एक रेखा पर होता है तो ये बिंदुवत आवेश नहीं कहा सकता। कभी कभी आवेश पूरे पृष्ठ पर होता है तो ये बिंदुवत आवेश नहीं है। बिंदुवत आवेश का मतलब संपूर्ण आवेश का केंद्रण एक किस पर हो, पॉइंट पर हो, ठीक है। ठीक, और पॉइंट क्या होता है, कितना भी आवेश हो, ज्यादा से ज्यादा कम से कम एक बिंदु पर स्थित हो वो आवेश, ठीक है ना, जिसका वैद्युत क्षेत्र सममित हो, ठीक है ना, एक वृत्त के रूप में या गोले के रूप में सममित हो, ठीक है ना। ऐसा तभी होगा जब आवेश एक बिंदु पर केंद्रित होगा, तो ये बिंदु आवेश की बात हो गई। उसके बाद कुछ वर्ड्स और भी आए थे। जैसे एक वर्ड आया था गुलाम के नियम में, क्या चीज, वैद्युतशीलता। हम आपसे वैद्युतशीलता के संदर्भ में बात कर चुके हैं, फिर से कह दे रहे हैं, ठीक है। किसी माध्यम में कितना विद्युतीय ऊर्जा संचित हो सकता है, वो माध्यम दो आवेशों के बीच, चाहे दोनों प्लस हो, चाहे दोनों किसमें हो, माइनस हो, चाहे एक प्लस हो एक माइनस हो, कितना संपर्क स्थापित होने देता है, ठीक है ना। वास्तविक तौर पर हम आपसे बात कर रहे हैं, फिजिकली बात कर रहे हैं, ठीक है ना, निश्चित तौर पर बात कर रहे हैं। दो आवेशों के बीच कितना संबंध स्थापित होने देता है, चाहे बल का, चाहे आकर्षण का, चाहे प्रतिकर्षण का, चाहे वैद्युत क्षेत्र का, इस कितना अलाउ कर देता है दोनों आकर्षण लगाएं, कितना अलाउ करता है दोनों प्रतिकर्षण लगाएं, यही वास्तव में वैद्युत क्या है, शीलता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या चीज कहते हैं, अगला एक शब्द आया था परावैद्युत, एक शब्द आया था परावैद्युत। अब परावैद्युत क्या चीज है, हम आपके इस पर चर्चा करेंगे कि परावैद्युत है क्या चीज, ठीक है। आइए परावैद्युत पर आपसे चर्चा करता हूं कि परावैद्युत क्या चीज होता है। मैं आपसे कल भी कह चुका था, असल में परावैद्युत, वास्तव में परावैद्युत क्या चीज है, डाइलेक्ट्रिक क्या चीज है, सबस्टेंस, डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस क्या चीज है। परावैद्युत कुचालक पदार्थों, परावैद्युत पदार्थ कुचालक पदार्थों को कहते हैं। कुचालक पदार्थ क्या है, जिनके इलेक्ट्रॉन्स उनके नाभिक से बहुत दृढ़तापूर्वक क्या है, बंधे हुए हैं, ठीक है ना, ये परावैद्युत पदार्थ होते हैं, ठीक। ये दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को, चाहे वो प्रतिकर्षण का हो और चाहे वो किसका हो, आकर्षण को हो, कम करते हैं, ठीक है। तो परावैद्युत पदार्थ का जो कार्य है, दो आवेशों के बीच के संपर्क को, उनके बीच के किसको, प्रभाविता को कम करना है, समझ गए इस चीज को आप। अब आइए जरा परावैद्युत को लेकर कुछ बातें सैद्धांतिक रूप में करते हैं, दो मिनट। जरा देखते हैं परावैद्युतांक है क्या चीज, ठीक है, क्या है परावैद्युतांक, आइए देखते हैं। परावैद्युतांक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परावैद्युतांक को इंग्लिश में बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो इसी को विशिष्ट परावैद्युतता भी बोलते हैं, परावैद्युतांक को ही विशिष्ट परावैद्युतता भी बोलते हैं, स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी बोलते हैं, विशिष्ट परावैद्युतता। स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी,
विशिष्ट परावैद्युतता भी, परावैद्युतता भी बोलते हैं, या परावैद्युतांक, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट भी बोलते हैं। क्या है इसको समझना है, आइए इसको समझा जाए ध्यान से। क्या है ये, देखें एफ निर्वात बराबर वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू वन क्यू टू अपान आर स्क्वायर। अगर दो आवेश हैं वे एक दूसरे से आर दूरी पर हैं और वो निर्वात में रखे हैं वैक्यूम में, उनके बीच लगने वाला बल एफ कोई अन्य माध्यम किसी भी कुचालक माध्यम में दोनों आवेशों को किसी अन्य कुचालक माध्यम में रख दिया जाए उतनी ही दूरी पर, किसी अन्य कुचालक माध्यम में रख दिया जाए, तब लगने वाला बल ये तब लगने वाला बल हो गया। ठीक है, आइए आगे देखिए। F निर्वात को भाग करिए F कुचालक से, ठीक है, F निर्वात को भाग करिए F किससे, कुचालक से। जब इससे इसको डिवाइड करेंगे सब कट जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या, ऊपर एक और नीचे बचेगा एक बटे कितना के, सब कटने के बाद एफ निर्वात बटे एफ कुचालक बराबर के। क्या देखा आपने, क्या देखा आपने कि किसी परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक, किसी परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक निर्वात में कुछ दूरी पर रखे, कुछ दूरी पर रखे दो आवेशों के बीच लगने वाले बल एवं कुचालक माध्यम में उतनी ही दूरी पर आवेशों को रखने पर लगने वाले बल के अनुपात को ही उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। यानी वास्तव में परावैद्युतांक आवेशों को निर्वात में रखने पर उनके बीच जो बल लगता है, उन्हीं आवेशों को कुचालक माध्यम में रख देने पर उनके बीच जो बल लगता है कि निष्पत्ति को ही उस कुचालक माध्यम का क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। अब जरा यहां से कुछ एक्स्ट्रा खेल लेते हैं, इतना दूर चले आए हैं तो थोड़ा सा और भी कुछ इसमें क्या कर लें, जान लेते हैं। क्या आपको मैं दिखा चुका हूं कि के किसी भी माध्यम का एक से ज्यादा होता है, किसी भी माध्यम का एक से ज्यादा होता है के की वैल्यू। आइए यहां रखिए इसको, यानी यहां से निष्कर्ष क्या निकला कि निर्वात में जो बल लगता है वो किसी भी अन्य माध्यम में दो आवेशों के बीच लगने वाले बल से हमेशा क्या होता, ज्यादा होता है। यानी दो आवेशों को निर्वात में रखने पर उन पर बल सर्वाधिक लगता है। दो बात बनी, दो सूचनाएं मिली यहां से, एक
परावैद्युतांक क्या है? निर्वात में दो आवेशों के बीच लगने वाले बल एवं कुचालक माध्यम में उन्हीं दोनों आवेशों को उतनी ही दूरी पर लगने वाले बल की अनुपात को उस कुचालक माध्यम का क्या कहते हैं? परावैद्युतांक कहते हैं, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी बोलते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। एक चीज और देख लें, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ठीक, ये मान लेते हैं निर्वात के लिए है, F अन्य किसी भी कुचालक माध्यम, कुचालक ही लिख दो, 1/4πε0 के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ठीक है, देख सके आप इतनी चीज को। मैं आपसे कहता हूं F कुचालक इस इतने को एप्साइलन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एप्साइलन। अब निर्वात को कुचालक से डिवाइड करें, क्या आएगा? 1/ε0 ऊपर बटे, जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसको इससे, और यहां बचेगा 1/ε0। F निर्वात बटे F कुचालक को अभी मैंने कहा था परावैद्युतांक कहते हैं, अभी मैंने दिखाया था ये एप्सिलॉन ऊपर और वो एप्सिलॉन जीरो कहां आ गया? नीचे। यानी यहां से क्या निष्कर्ष निकला आपको बता दें, परावैद्युतांक ये उस कुचालक की वैद्युतशीलता है जिसमें आपने बल निकाला है, यह कुचालक उस माध्यम की वैद्युतशीलता है और यह निर्वात की वैद्युतशीलता है। यानी कि कुचालक पदार्थ की वैद्युतशीलता या किसी अन्य माध्यम की वैद्युतशीलता एवं निर्वात की वैद्युतशीलता के निष्पत्ति को उस कुचालक माध्यम का क्या कहते हैं? परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है, चले प्यारे बच्चों, अब आइए देखते हैं कुलाम के नियम का सदिश स्वरूप, कुलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कुलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, कुलाम्स लॉ इन विच फॉर्म? वेक्टर फॉर्म। कुलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, फर्स्ट ईयर अगर आप लोगों को जिसने भी पढ़ाया होगा,
अगर उसने बेहतर तरीके से आपको फर्स्ट ईयर 11th क्लास पढ़ाई है तो आपको कुलाम के नियम के सदिश स्वरूप में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। आए देखें, बेहद इजी है ये। हम आपसे कहते हैं व्हाट इज, सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा कि देयर इज टू चार्जेस, Q1, Q2। दोनों की प्रकृति समान मान लेते हैं, धनात्मक, दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों ही ठीक। मैं मानता हूं कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, R है, ठीक है। आप जरा ध्यान दीजिएगा, दोनों स्थिर बिंदु आवेश हैं, ठीक। अगर दोनों समान आवेश हैं तो दोनों प्रतिकर्षण लगाएंगे एक दूसरे पर, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। पहले के द्वारा दूसरे पर जो प्रतिकर्षण लग रहा है प्रतिकर्षण का बल, Q1 द्वारा Q2 पर लगने वाला प्रतिकर्षण का बल, मैं मानता हूं उस बल को दूसरे पर लग रहा है पहले के द्वारा, ठीक है। ये अब दूसरे के द्वारा पहले पर प्रतिकर्षण इधर लगेगा, ये प्लस है, ये इस प्लस को इधर प्रतिकर्षित करेगा, पहले पर लग रहा है दूसरे से इस तरफ, ठीक। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, दूसरी सबसे बड़ी चीज इसमें यह है Q1 से Q2 की ओर इंगित करने वाला स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर Q1 से Q2 की ओर दर्शाने वाला पोजीशन वेक्टर ये है R12 कैप, ये Q1 से Q2 की ओर इंगित करने वाला स्थित सदिश है और Q2 से Q1 की ओर इंगित करने वाला स्थित सदिश ये, समझ गए इतनी बात आप लोग, ये स्थित सदिश रहे, ठीक है। अब आइए आपसे थोड़ी और चर्चा करते हैं, क्या चीज, आइए देखिए, कोशिश करिए समझने की। आप जानते हैं R
वन टू वेक्टर बराबर मॉड ऑफ आर वन टू वेक्टर, किसी भी वेक्टर का परिमाण और दिशा। इसका परिमाण यही है, ये तो सिर्फ दिशा है, एकांक सदिश है ये परिमाण इसका। इसका परिमाण एक है लेकिन इसका परिमाण आर है। इसी प्रकार आर टू वन वेक्टर बराबर आर टू वन वेक्टर का परिमाण, ये तो एकांक सदिश है, केवल दिशा को दिखा रहा है दूसरे से पहले की तरफ। इसको नोटिस रखिएगा। अब आइए जरा सा आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या चीज कहते हैं गौर करिएगा, दिमाग लगाइएगा। F दूसरे पर पहले के द्वारा, दूसरे पर बल किसके द्वारा, पहले के द्वारा। एप्सिलॉन जीरो अगर ये निर्वात या बल में रखें, क्यू वन क्यू टू अपान आर स्क्वायर, और चूंकि सदिश है ये वेक्टर क्वांटिटी है तो दिशा एफ टू वन की दिशा यही है, यानी आर वन टू गैप हो गया ये सदिश स्वरूप। वेरी सिंपल। और जरा सा कहिए तो इसको वर्सटाइल कह दू, कर दू मैं, आर वन टू कैप को यहां से देखो, यहां से आर वन टू कैप को क्या लिख सकते हैं, आर वन टू वेक्टर बटे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। आर कैप इसकी जगह आर वन टू कैप की जगह आर वन टू वेक्टर बटे आर आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, एफ टू वन वेक्टर बराबर वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू वन क्यू टू अपान आर क्यूब आर वन टू वेक्टर, ये हो गए इतनी चीजें बेटा। ये रहा बेटा कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। आप चाहें तो पहले पर बल दूसरे के द्वारा एप्सिलॉन जीरो क्यू वन क्यू टू आर क्यूब आर वेक्टर टू वन ऐसे कर सकते, कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। ठीक रहा, बहुत इजी है। अब कूलाम के नियम के सदिश स्वरूप का महत्व क्या है, सबसे बड़ी चीज ये है कि कूलाम के नियम के सदिश स्वरूप का इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है। कूलाम के नियम के सदिश स्वरूप का महत्व क्या है यह जानना बाकी है। बहुत इजी है, आप देख रहे हैं आर वन टू कैप और आर टू वन कैप ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में एकांक सदिश हैं। एकांक सदिश हैं दोनों, विपरीत दिशा में,
यानी आर वन टू का है बराबर माइनस आर टू वन का है विपरीत दिशा। इसका मतलब ये निकला, यहां से देखो या यहां से देखो, इसका मतलब क्या निकला? बाकी सब कुछ तो सेम है, यही दोनों परस्पर कैसी दिशा में है? विपरीत दिशा में है। कैसी दिशा? बाकी सब कुछ सेम है, यही दोनों विपरीत दिशा में है। और अगर ये दोनों विपरीत दिशा में है, उसका मतलब ये बल भी परस्पर कैसी दिशा में है? विपरीत दिशा में और बराबर है, यानी एफ वन टू बराबर एफ टू वन। और विपरीत दिशा होने के कारण क्या लगेगा? माइनस। इसका मतलब कूलाम का नियम के अनुसार दोनों आवेश एक दूसरे पर बराबर बल और कैसी दिशा में लगाते हैं? विपरीत दिशा में लगाते हैं। दोनों आवेश पहले पर दूसरे के द्वारा, दूसरे पर पहले के द्वारा लगने वाला क्या बल बराबर और कैसी दिशा में है? विपरीत दिशा में है। यानी कूलाम का नियम न्यूटन के गति विषय तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का पालन करते हैं। आगे देखिए अगली जानकारी क्या है। ये बल दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश है। ये बल जो बल इन दोनों के बीच लग रहा है, इनको मिलाने वाली रेखा की क्या है? अनुदिश है और विपरीत दिशा में है। यानी केंद्रीय बल है, ये सेंट्रल फोर्सेस हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अगला है बहुल आवेशों के बीच बल। बहुल आवेशों के बीच बल, अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है ना, इंग्लिश इसकी क्या है? फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्ज ठीक है ना, या इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यानी इसमें पढ़ना क्या है? अगर किसी निकाय में, किसी सिस्टम में बहुत सारे चार्ज हों, तब किसी एक आवेश पर बल कितना लगता है, इसके लिए अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन दिया गया। क्या है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इसको समझने की जरूरत है। कहते हैं यदि किसी निकाय में एक से अधिक आवेश हों, अगर किसी निकाय में एक से अधिक आवेश हों, तो किसी एक आवेश पर बल, किसी एक आवेश पर बल अन्य आवेशों के कारण लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के
बराबर होता है। क्या कहते हैं, कोई निकाय है मान लीजिए और उस निकाय में बहुत सारे आवेश हैं, Q1, Q2, Q3, डॉट डॉट डॉट, Q4, Q5, Q6, Qn, बहुत सारे आवेश हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एनवे तक। तो किसी एक आवेश पर जो इस समय बल लगेगा, मान लीजिए इस Q1 पर जो बल लगेगा, इस Q1 पर जो बल लगेगा वो इस निकाय के अन्य बाकी जितने आवेश बचे इसके कारण इस पर बल निकाल लो, इसके कारण इस पर बल निकाल लो, किसी अलग आवेश के कारण इस पर बल निकाल लो, इसके कारण भी इस पर क्या निकाल लो बल, और इस आवेश पर इन सब के कारण जो बल लगे, इसके कारण भी, 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 सभी के कारण इस पर जो बल लगे उनका सदिश योग निकालो, परिणामी निकालो, वही इस पर लगने वाला क्या होगा, बल होगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्या कहा, किसी निकाय में अनेक आवेश हो तो किसी एक आवेश पर बल अन्य आवेशों के कारण अलग अलग बलों के वेक्टर योग के बराबर होता है। मैं आपको एक उदाहरण से दिखाता हूं। मान लीजिए कोई एक आवेश Q1 है और निकाय में अनेक आवेश हैं, Q2, Q3, Q4, Q5, Qn। ठीक, मूल बिंदु के सापेक्ष सबकी स्थिति सदिश ऐसी है कुछ, मूल बिंदु के सापेक्ष सबकी स्थिति सदिश, यह मूल बिंदु के सापेक्ष सबकी स्थिति सदिश है। ठीक है, अब मैं यह मानता हूं Q2 के सापेक्ष Q1 की स्थिति सदिश है, किसके सापेक्ष, Q2 के सापेक्ष Q1 की स्थिति सदिश है। मान लीजिए Q2 के सापेक्ष Q1 की स्थिति सदिश ये है, Q2 के सापेक्ष Q1 का, 1 का 2 के सापेक्ष, ये है इसकी स्थिति सदिश, ये ठीक है, या स्थिति सदिश है तो ऐसे दिखा दें, Q3 के सापेक्ष Q1 की स्थित सदिश, ये 1 की इसकी स्थित सदिश 3 के सापेक्ष, ये ऐसे Qn के सापेक्ष, यनवे आवेश के सापेक्ष Q1 की स्थित सदिश, पहले की स्थित सदिश है यनवे के कारण। ठीक है, अब मैंने अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार कहा क्या है, अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार क्या कहा है मैंने, एकदम गौर कीजिएगा, क्या चलिए उसकी बात बाद में करते हैं, पहले ये देखिए Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, पहले पर बल दूसरे के कारण 1/4πε0 Q1 Q2 अपान
आर स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, क्या चीज हम आपसे कहते हैं, गौर करिएगा। अगर मैं लिख रहा हूं कि वन और टू के बीच की दूरी वन टू है, वन और किसके बीच की दूरी, टू के बीच की दूरी, और आप सोच सकते हैं कि दूसरे के कारण पहले पर जो बल लगेगा उसकी दिशा ये होगी, ये दिशा है, ये क्या है, दिशा है, समझ सके इतनी बात को। अब इसी वक्त अगर मैं इस दिशा को दिखाऊं कैप के आधार पर तो ये होगी कैप इधर ही, समझ में आए चीज, पहले पर बल दूसरे के कारण वन अपान फोर पाइव साइलेंट जीरो क्यू वन क्यू टू बटे आर स्क्वायर, पहले और दूसरे के बीच की दूरी आर वन टू, ठीक है। दिशा जाहिर सी बात है बल की दिशा इधर ही होगी, दूसरे से पहले की ओर, तो लिखा तो है टूबल कैप, ठीक। ऐसे ही पहले पर बल तीसरे के कारण वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू वन क्यू थ्री आर वन थ्री स्क्वायर आर थ्री वन कैप, थ्री वन कैप का मतलब भाई पहले पर बल तीसरे के कारण, पहले पर बल तीसरे के कारण, और दिशा तो यही होगी थ्री से वन की तरफ, ये दिशा होगी भाई, ये चाहे देख लीजिए दिशा, यही है थ्री आई एम सॉरी टू वन कैप, ए थ्री वन कैप, ऐसे डाट डाट डाट। यनवे के कारण पहले पर बल और दिशा यही हो, भाई यही तो है, आई एम सॉरी कैप से यही तो है दिशा, एन से वन की तरफ, एफ पहले पर बल एनवे आवेश के कारण आर वन एन पहले और एन के बीच और एन से वन की तरफ है दिशा। अब क्या कहते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत को देखिए, अध्यारोपण के सिद्धांत को देखिए, किसी निकाय में अनेक आवेश हों, देखिए इसमें अनेक आवेश हैं, तो किसी एक आवेश पर बल, तो पहले पर बल, पहले पर बल, एक आवेश पर बल अन्य आवेशों के कारण अलग अलग बलों के वेक्टर योग के बराबर होता है, अन्य आवेश दूसरे तीसरे एनवे सबके अलग अलग बलों के वेक्टर योग के बराबर, वेक्टर योग के बराबर, किसी एक आवेश पर बल अन्य आवेशों के कारण अलग अलग बलों के वेक्टर योग के बराबर होता है, जो मैंने आपके सामने लिखा है। अगर मान रखा जाए इसका 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 तीनों का, इसका इसका इसका, अगर तीनों का क्या रखा जाए, मान रखा जाए, तो वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन जीरो कॉमन हो जाएगा, वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्या हो जाएगा, कॉमन, पहले पर बल अंदर क्या बचेगा, Q1 Q2 बटे R12 स्क्वायर R21 कैप, प्लस
यही बचेगा। ठीक, यही है किसी निकाय में अनेक आवेश हो तो किसी एक आवेश पर बल, किसी एक आवेश पर बल, अन्य आवेशों के कारण, अन्य आवेश दूसरे के कारण, तीसरे के कारण, एनवे के कारण जो इस पर बल लग रहा था, दूसरे कारण बल ये, तीसरे के कारण बल ये, एनवे के कारण बल ये, इन सभी बलों के, इन सभी बलों के जो इस पर लग रहा था कि किस योग के बराबर है, सदिश योग के बराबर है। ये कुल हो गया बेटा। ठीक, अगर आप समझ गए हो तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये बात अगर समझ गए तो आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं अगली हेडिंग। अब हम लोग देखते हैं वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। वैद्युत बल की तुलना गुरुत्वाकर्षण बल से, वैद्युत बल की तुलना गुरुत्वाकर्षण बल से, कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स, वैद्युत बल की तुलना गुरुत्वाकर्षण बल से। आइए देखते हैं। पहले तो दो चार बातें आपसे करूंगा। क्या चीज, आप जानते हैं कि दोनों बलों की आपस में तुलना की जा सकती है। क्यों, देखिए पहली बात तो ये है कि वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों के कार्य करने की, दोनों के आरोपित होने की, दोनों के संचालित होने की लगभग क्रियाविधि समान है। क्यों, दोनों ही व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल भी वैद्युत बल भी। गुरुत्वाकर्षण बल वन कैपिटल जी एम वन एम टू बटे आर स्क्वायर, और वैद्युत बल वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू वन क्यू टू बटे आर स्क्वायर। दोनों निर्वात में भी दो वस्तुओं के बीच लगते हैं, दो आवेशित कण निर्वात में भी एक दूसरे पर वैद्युत बल लगाते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल भी दो वस्तुओं के बीच निर्वात में भी लगता है। लेकिन फिर भी कुछ मौलिक अंतर है दोनों में। मौलिक अंतर क्या है, वैद्युत बल आकर्षण का भी होता है और प्रतिकर्षण का भी, समान आवेश है तो प्रतिकर्षण और विपरीत आवेश तो आकर्षण, समान आवेश पर प्रतिकर्षण वैद्युत बल में और विपरीत आवेश पर आकर्षण, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण की प्रकार का ही होता है। गुरुत्वाकर्षण में कभी प्रतिकर्षण नहीं, तो गुरुत्वाकर्षण केवल आकर्षण का है। इससे एक निष्कर्ष निकलता है, वैद्युत बल दो प्रकार का होता है, आकर्षण एवं प्रतिकर्षण, इसका मतलब आवेश भी दो प्रकार के होते हैं। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण प्रकार का होता है, तात्पर्य इसका कि द्रव्यमान केवल एक ही प्रकार का होता है। वैद्युत बल दो आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, अगर दो आवेशों के बीच माध्यम बदलता है तो बल घट जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल दो वस्तुओं के बीच के माध्यम पर नहीं डिपेंड करता, गुरुत्वाकर्षण बल अगर दो वस्तु है मेरे और बोर्ड के बीच क्या माध्यम, इस पर नहीं डिपेंड करता गुरुत्वाकर्षण। अगली चीज, वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से कई गुना बड़ा होता है, वैद्युत बल काफी परिमाण में बड़ा होता है गुरुत्वाकर्षण, बहुत ज्यादा। आपको एग्जाम्पल के लिए बताऊं कि दो प्रोटॉनों के बीच जो वैद्युत बल है, दो प्रोटॉनों के बीच जो वैद्युत बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल से 10 की घात 36 गुना बड़ा है, 10 टू द पावर 36 टाइम ग्रेटर देन
इलेक्ट्रिक फोर्स इन कंपैरिजन टू द ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोटॉनों के बीच, प्रोटॉनों के इलेक्ट्रॉनों के बीच तो और बड़ा, जहां तक 10^43 गुना बड़ा है वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण के बल से। इलेक्ट्रॉनों के बीच वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10^43 गुना बड़ा है। ठीक है, दोनों में कुछ मौलिक अंतर थे जो मैंने आपको बताया। आइए अब आगे पढ़ते हैं। कूलाम के नियम का हमारे दैनिक जीवन में महत्व भी है। क्या महत्व है? कूलाम का नियम बड़ी से बड़ी दूरियों से लेकर के छोटी से छोटी दूरियों के बीच लग जाता है। परमाणवीय दूरियों, अगर दो आवेशित कण परमाणवीय दूरी के बराबर है तब भी कूलाम का नियम लगता है। नाभिकीय दूरियों के बीच भी लगता है। 10^10, अगर मैं आपको बताऊं, अगर दो आवेशित कण 10^-15 की दूरी पर है तो इनके बीच भी कूलामीय बल लगेगा। मैं आपको बताऊं, नाभिक में प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब साथ में रहते हैं तब भी प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच लगता है प्रतिकर्षण। यही प्रतिकर्षण है जो नाभिकीय विखंडन रेडियो एक्टिवता को जन्म देता है, वरना अस्थाई हो जाता कोई भी परमाणु, नाभिक अस्थाई हो जाता। रेडियो एक्टिवता का होना इस तथ्य का प्रमाण है कि कूलाम का नियम नाभिकीय कणों के बीच भी लगता है, वहां भी कूलामीय प्रतिकर्षण अथवा आकर्षण लगता है। यद्यपि नाभिक के अंदर एक अन्य नाभिकीय बल है जो केवल आकर्षण प्रकार का है, जो आवेशों पर निर्भर नहीं करता। तो कूलाम का नियम बहुत ही व्यापक है, छोटी से छोटी दूरियों से लेकर बड़ी से बड़ी दूरियों तक लगता है। हम दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे बलों को अनुभव करते हैं लेकिन जान नहीं पाते कि वैद्युत बल है, जबकि उनके भी कारण वैद्युत बल ही होते हैं। तो कूलाम का नियम छोटी से छोटी दूरियों से लेकर बड़ी से बड़ी दूरियों तक लगता है। नाभिकीय परमाणवीय से लेकर अनंत दूरियों तक लगता है। और रेडियो एक्टिवता में नाभिक टूटता है, क्यों? क्योंकि नाभिक के अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन प्रतिकर्षित करते हैं एक दूसरे को। रेडियो एक्टिवता की घटना होना इस तथ्य का प्रमाण है कि कूलाम का नियम नाभिकीय से लेकर परमाणवीय दूरियों तक लगता है। चले ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली क्लास में हम लोग किसी अगली हेडिंग के साथ। ठीक है बेटा, लेट्स मीट टुमारो इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, गुड नाइट।